सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बढ़िया, आप इतना डेफिनेटली अच्छे होते हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भैया जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का लास्ट डेट है वो क्या हो सकता है और कब हो सकता है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है क्या, और नहीं भी करें तो क्या मतलब एडमिट कार्ड आएगा। और मैं ये भी बताने वाला हूँ साथ में कि एडमिट कार्ड कब आएगा, और उसके बाद आपका फेज टू कब होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल जो है वो कब होगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर बात बताई जा सकती है, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी बता पाऊँ बताते हैं। ठीक है, चल। सो आई थिंक आप सभी अच्छे होकर आप सभी ने अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दिए होंगे। स्पेशली मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को रनिंग के लिए के मेरे दो ही सजेशन होंगे। मेल कैंडिडेट, इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट देन ब्रदर यू शुड फोकस ऑन पुशअप एज वेल एज रनिंग। ठीक है, मीन्स पुशअप पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पुशअप पे ही लड़के आउट होते हैं इस टेस्ट टू। ठीक है, जब से 7 मिनट रनिंग हुआ है, एयरफोर्स से बताओ कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सिर्फ वो पुशअप पे आउट करते हैं, होल्ड करा देंगे उनको, लड़के आउट करने हुए इसी में आउट करेंगे। ठीक है, तो भाई मेरे पुशअप पे वर्क करो, कोशिश करो 10 और 15 सेकेंड होल्ड करने की। ठीक है, मतलब हो सकता है आपसे 2 पुशअप लगे, 3 पुशअप लगे, टाइम है आपके पास, मैं बता रहा हूँ अभी भी टाइम है, 2 महीने हैं आपके पास, 2 महीने से भी ज़्यादा समय, अभी भी 2 महीने से ज़्यादा समय। ठीक है, तो आप प्रॉपर ऐसे कर सकते हो। ओके, यह हुआ फीमेल कैंडिडेट, रनिंग पे फोकस करें, उनका उनके लिए रनिंग हार्ड होगा, अगर उनका रनिंग 8 मिनट में नहीं हुआ तो वे बाहर हो जाएंगे। पहला नंबर टास्क आपका स्टेज टू क्लियर होना होना चाहिए, आपके नंबर कम हैं ज़्यादा हैं नहीं पता किसी को ना, मतलब होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी किसी को भी नहीं पता, कभी ज़्यादा आती है कभी कम, कह नहीं आई है, और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग वैकेंसी हर इंटेक में बढ़नी है, तो अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये एक फिजिकल का मुझे आप सभी को बताना था कि पुशअप पे मेल कैंडिडेट वर्क करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैं अपना जीडी का बैच ऑलरेडी चला रहा हूँ, हमने 20 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया, को एजुकेशन, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, कुछ करंट के टॉपिक, 20 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आई मीन आप में से कहीं कोई भी प्रिपरेशन कर रहा होगा तो मुझे नहीं लगता आपने 20 टॉपिक कर लिए हो, और मैंने इतना रिलेवेंट कंटेंट के साथ कराया विथ मिनिमल फीस। ठीक है, लड़के आराम से घर से बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमने कल डाउट सेशन भी किया, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, पर्सनल उनके पास आईडी वगैरह सब कुछ है, तो अभी भी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं हुआ, क्योंकि फेज टू के लिए प्रॉपर टाइम है। मुझे कुछ वीडियो भेजते हैं लोग 15 दिनों में जीडी की तैयारी करा रहे हैं, आई डोंट नो कैसे वो होगा। ठीक है, और इतनी ज़्यादा फीस लेके मुझे नहीं मतलब, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रिपरेशन जो भी करना चाहता है भाई, डेफिनेटली जुड़ सकते हो। ठीक है, मैं प्रॉपर डेली डेली का डेली क्लासेस, अभी तक स्टिल 0 गैप होते ही नहीं, जब तक जीडी नहीं हो जाता, स्टेज टू नहीं हो जाता कंप्लीट, मेडिकल एग्जाम नहीं हो जाता, री मेडिकल एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक हम रहेंगे आपके साथ में, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे बेसिकली। और तो फीस क्या ही है यार, मतलब 100 200, मतलब 100 से भी ज़्यादा वीडियो आएंगे, और उसके बाद वहाँ पे सारी की सारी क्लासें, और उसके बाद PDF नोट्स डेली, मतलब वीकली डाउट सेशन, फिर हम अभी कुछ दिनों बाद जेडी भी करने लगेंगे। ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा, बस इतना सारे का सारा। इसकी फीस 249 रुपीज़। आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे यूजर नेम दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, फिजिकल जब होगा कब तक होगा भैया? तो मतलब अप्रैल एंड है, ठीक है, अप्रैल ख़त्म होने वाला है, अब हम बात कर लेते हैं मई और जून, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मई जून पे आपका स्टेज टू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके, अच्छा पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसकी लास्ट डेट क्या हो सकती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसकी लास्ट डेट, अब जितनी जल्दी अपलोड करें उतना बेहतर है। ठीक है, फिर बाद में ऑप्शन आएगा, हट जाएगा, ये नहीं हुए हैं, जैसे किसी ने कंप्यूटर सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, हाँ तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट अप्लाई करना है, वहाँ पर फिल करना है। अब अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड या 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, आप उसमें बाहर नहीं होंगे, या लास्ट के 2 से 3 इंटेक्स वहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो कैंडिडेट वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जगह पे वही चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, और वो मतलब सेंटर पे बात भी करके पूछा है, स्पेशली मैंने नहीं पूछा लेकिन मैंने सुना है। ठीक है, तो आप में से जो भी कैंडिडेट के पास एडिशनल डॉक्यूमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं और आपके पास नहीं है, आप अगर बनवा रहे हैं तो 4 5 10 दिन में आ जाएगा, तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, नहीं तो फिर एडमिट कार्ड तब नहीं आएगा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया, तब दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मस्ट है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद फेज टू का एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड जो फेज टू का होगा, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको वैसे बता रहा हूँ एक आइडिया करके, कि आपका फर्स्ट वीक जो होगा, 1st से 7,
जुलाई के बीच में एडमिट कार्ड आएंगे, और जो आपका जो फेज 2 होगा वो 3rd वीक ऑफ जुलाई कंडक्ट कराया जाएगा, और आपका मिड अगस्त में मेडिकल एग्जाम होगा। मान लो यार इसी के मतलब इसी के आसपास भी नहीं, इसी में होगा, जो मैं बता रहा हूँ ना इसी में होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 1st वीक ऑफ जुलाई एडमिट कार्ड आएंगे, 3rd वीक ऑफ जुलाई आपका एडमिट कार्ड होगा। एक अगर डेट जानना चाहो तो आप 1 से 5 जुलाई मान सकते हो, आप इनको चाहो तो निकाल के लिख के रख सकते हो, यही चीज़ मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। ठीक है, 20 से 25 जुलाई लगभग आप मान सकते हैं का फेज 2, और फिर आप 10 से 15 अगस्त मेडिकल एग्जाम। ठीक है, और इसके बाद सो ऑन, फिर ये मेडिकल 15-20 दिनों में आपका मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आगे PSN एनरोलमेंट की डेट तो ऑफिशियली मेंशन कर दी गई है, तो उन सब चीज़ों को लेकर अभी बात करने लायक वैसा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई थिंक आ रही होंगी। ठीक है, बस यही था, तो आपको मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी शॉर्ट में, फिर फिजिकल पे कहाँ वर्क करना है, और उसके बाद मेडिकल मेडिकल डेट, फेज 2 का डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने का, फेज 2 का एडमिट कार्ड कब आएंगे, फेज 2 कब होगा। ठीक है, और ये वाली जो बात वाली चीज़ें मैंने बताई लगभग ऑथेंटिक है, मतलब सोर्सेज के थ्रू है, मैं आपको उतना ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, डेट वगैरह भी मान लो इसी के आसपास है। ठीक है, बाकी वैसा कोई सोर्स नहीं है, ऐसे आप जैसे सेलेक्ट हो जाते हो, तो सेंटर वगैरह पे कभी कुछ डिपार्टमेंट में उसी डिपार्टमेंट में हो जाते हो, तो कभी कोई कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लगभग इस डेट तक हो सकता है, तो ऐसे ही है। ठीक है, तो चीज़ें सही होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं सही होती तो आपके पास फिर भी 2 महीने हैं, अभी मई में आपका फेज 2 नहीं होगा, जून पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप जुलाई तक अपना फेज 2 मान के प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी भी तरह का, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, अपडेट इन्फॉर्मेशन फेज 2 की करवा रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल तो आपको यार खुद ही करना है। ठीक, मेडिकल भी आपको खुद ही करना है, मेडिकल उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है कि लोग बाग आपको पहले डर में मेडिकल एग्जाम मेडिकल एग्जाम, यार मेडिकल होता है, लेकिन मेडिकल एग्जाम में 2 से 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें के लिए डाउट होते हैं, फर्स्ट नंबर आईज हो गया, सेकेंड नंबर ECG हो गया, अगर इनको क्लियर कर लिया तो मान लो लाइफ झिंगा ला रहा, नहीं तो फिर फंस गए तो फंस गए। अब अगर ये हैंड वैंड का पॉइंट बन ही रहा है, तो यार इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि 15 दिन में सही हो जाएगा, आइज का पॉइंट बन गया तो नहीं सही होगा, अपने तो हमेशा इसी में मिलता था, ये चीजें थे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फेज 2 के लिए जुड़ना है तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई क्वेरी हो तो कर सकते हो, जुड़ सकते हो, अभी भी टाइम है, 20 टॉपिक अपन कर चुके हैं, पीछे से आराम से आओगे, 1-2 वीक में अपने मेरे बराबर तक पहुंच जाओगे, एक एक टॉपिक, 15-15, 20-25 मिनट का वीडियो होता है, साथ में PDF होता है, डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है, वीकली डाउट सेशन होता है, उसके बाद हम चल कर GD भी करेंगे, और आप सभी के पास मेरा पर्सनल ID होता है कि आपके पास किसी भी टाइम कोई भी डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली आज कर सकते हैं। ठीक है, टिल देयर टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।